speak about the hottest bull in the market, speculations around cryptocurrency. Okay, speculations around cryptocurrency. Will the government completely ban cryptocurrency in India? Hello, dearies. I am CACS Piyusha Kakkar before you, a chartered accountant by profession and a teacher by passion. You can connect to me on Facebook, Instagram, LinkedIn also, the links of which have been provided to you in the description box, where I post content about risk management, auditing, taxation, current affairs, logical reasoning, etc. Okay, do not forget to like, share and subscribe the channel and also press the bell icon for such more interesting content. Yes, will government completely ban cryptocurrency in India? Okay, yes. Now, why the government is intending to ban cryptocurrency? For this, we have to first understand what is cryptocurrency. And to understand cryptocurrency, we need to understand what is the blockchain technology. Okay, yes, blockchain technology ko samjhane ke liye main aapko kuch bahut hi simple examples dungi, which will make it easier for us to understand. Okay, yes. Now, mano ki there is a store. Okay, yes, mano ki there is a store. Now, what happens is, is store mein kuch samaan aata hai. इस स्टोर से कुछ सामान जाता है, बराबर है, कौन सा सामान आया, कौन सा सामान गया, इसका डिटेल इन्फॉर्मेशन रखा जाता है अपने लेजर में, इसके डिटेल इन्फॉर्मेशन रखा जाता है लेजर में. ओके, यस. नाउ व्हाट हैपेंस, ये जो ब्लॉक है, दिस ब्लॉक इज सिमिलर टू द लेजर दैट वी मेंटेन इन अ बिजनेस. ओके, यस. अब इस ब्लॉक में क्या होता है, सबसे पहले होता है डेटा. What is the data here? Relevant information, कि कौन से, किससे पैसा आया, किसके पास पैसा गया, ये सारा data mentioned होता है इस particular block में. Okay? Yes, फिर इस block में होता है hash. Now, what is this hash? जैसे अपने आधार authentication में होता है अपना thumbprint, which is the unique ID which belongs to us. बिल्कुल उसी तरीके से हर block का एक hash होता है, जो उस block का एक unique identity code होता है. ओके, यस. तो सबसे पहले उस पर डेटा स्टोर हो गया, फिर उस डेटा को आइडेंटिफाई, उस डेटा ब्लॉक से रिलेटेड है, फिर उस ब्लॉक को आइडेंटिफाई करने के लिए हैश जनरेट हुआ. ओके, यस. अब इस हैश, ओके, यस, इस ब्लॉक का जो हैश है, ओके, इसका रिलेशन, इसमें और एक चीज होती है, वो है हैश ऑफ प्रीवियस ब्लॉक, कि इस ब्लॉक के पहले जो ब्लॉक जनरेट हुआ उस ब्लॉक का हैश भी यहां पे मेंशन होता. ओके, यस. तो यहाँ पे तीन चीजें हैं, डेटा, हैश एंड हैश ऑफ प्रीवियस ब्लॉक, मतलब कहां से पैसा आया, कहां से पैसा गया. ओके, इस ब्लॉक का फिर एक यूनिक आइडेंटिटी इन द फॉर्म ऑफ हैश, फिर रिलेशन. ओके, फिर कोरिलेशन ऑफ दिस पर्टिकुलर ब्लॉक विद द अर्लियर ब्लॉक, राइट. जो पहला ब्लॉक क्रिएट होता है, दैट इज नोन एज द जेनेसिस ब्लॉक, और फिर उस ब्लॉक से हर नेक्स्ट ब्लॉक पे क्या होता है ना, नेक्स्ट, और हर नेक्स्ट ब्लॉक पे प्रीवियस ब्लॉक का कुछ तो कनेक्शन, कोरिलेशन होता है. सो दीज आर द थ्री डिटेल्स व्हिच आर मेंशन इन दिस पर्टिकुलर ब्लॉक, जो सेव होते हैं इस ब्लॉक में. ओके, यस. अब ऐसे कई प्रकार के ब्लॉक्स जब एक साथ आते हैं तो उनको कहा जाता है ब्लॉकचेन, उनको कहा जाता है ब्लॉकचेन. और एक ट्रांजैक्शन में करोड़ों करोड़ों के ब्लॉक्स होते हैं, एंड व्हेन दीज ब्लॉक्स आर पुट टुगेदर, दीज आर द ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी व्हिच इज द मेन बेसिस ऑफ दिस क्रिप्टोकरेंसी. ओके, यस. नाउ व्हाट हैपेंस फर्दर, लेट अस अंडरस्टैंड कि व्हाई इज दिस ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी इंपॉर्टेंट. अब समझते हैं कि करंट सिचुएशन में प्रॉब्लम क्या है, और व्हाई ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी प्रोवाइड्स अस अ सिक्योर वे ऑफ ट्रांजैक्शन. लेट अस अंडरस्टैंड. मानो समझो कि अपने पास ब्लैक मनी है, किसी के पास ब्लैक मनी है. ओके, मिस्टर एक्स का ब्लैक मनी है. अब ये ब्लैक मनी मिस्टर एक्स क्या करेगा, व्हाट इज ब्लैक मनी, ब्लैक मनी व्हिच इज नॉट रिकॉर्डेड, व्हिच इज not shown to the public, which is hidden from the government, that is black money in very 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 simple terms. अब ये जो black money है, समझिए, ये जो black money है, okay, yes, ये इसका information जो होता है, क्या हम हर किसी को इसका information है? No, the access to this information is denied. ओके, एंड जो एडमिन होता है वो कभी भी जाके इसका इंफॉर्मेशन चेंज कर सकता है, बराबर है ना, किसका पैसा है, क्या है, कितना पैसा है, ये सब कुछ चेंज हो सकता है. ओके, यस. सो इन दिस केस वी कैन नॉट रिलाय ऑन दिस ब्लैक मनी, राइट. बट व्हाट हैपेंस इन ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी, अंडरस्टैंड, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी में पूरा की पूरा ये जो ब्लॉक्स मेंटेन होते हैं, पूरा की पूरा जो ब्लॉकचेन है, ओके, इट इज मेंटेन इन अ डाइवर्सिफाइड मैनर. इसका कोई एक भी, जैसे फॉर एग्जांपल हम अर्लियर सिस्टम, एग्जिस्टिंग सिस्टम में ब्लैक मनी प्रोटेक्ट करना है तो वो एडमिन के पास उसका पूरा इंफॉर्मेशन है, राइट, सिंगल पार्टी के पास. बट हियर इन ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी नो वन पार्टी हैज द एंटायर इंफॉर्मेशन, देयर आर डाइवर्सिफाइड ब्लॉक्स व्हिच प्रोटेक्ट द इंफॉर्मेशन विद देम.
ओके सो सबसे पहली चीज तो ये डाइवर्सिफाइड है एंड सबसे नेक्स्ट चीज जो है ओके यस यहाँ पे क्या है ना यू कैन नॉट ऑल्टर द डेटा. कोई एडमिन जाके उस पर्टिकुलर इन्फॉर्मेशन को चेंज नहीं कर सकता. फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैंने आपको एग्जाम्पल दिया है कि ए सेंड्स मनी टू बी. अगर ए ने बी को मनी भेजा तो उसका ब्लॉक जनरेट हुआ. उसका ब्लॉक जनरेट होते ही उसको क्या हुआ, उसका इंटरसेप्ट हुआ. राइट राइट देन उसका ट्रांजेक्शन अप्रूव हुआ. ट्रांजेक्शन अप्रूव होते ही और एक ब्लॉक जनरेट हुआ. ऐसे करके कई सारे ब्लॉक जनरेट होते हैं. ओके नाउ अब ए ने बी को मानो कि यू नो $5 million दिए है. ओके यस $5 million दिए ये एक ब्लॉक जनरेट हो गया है. इससे रिलेटेड अप्रूवल ऑफ ट्रांजेक्शन का ब्लॉक जनरेट हुआ है. अब अगर किसी को $5 million जाके चेंज करना है तो सारे के सारे ब्लॉक्स चेंज करने पड़ेंगे बिकॉज ब्लॉक कंटेन्स इंफॉर्मेशन हैश ऑफ द प्रीवियस ब्लॉक ऑल्सो. तो ऐसे करके अपने को हर ब्लॉक चेंज करना पड़ेगा विच इज प्रैक्टिकली नॉट पॉसिबल. हेंस ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी इज कंसिडर्ड एज वन ऑफ द मोस्ट secure way of protecting the data, okay, to keep the data in a trustworthy manner without assistance of a trustworthy party, okay. Yes, so this is the way in which blockchain technology functions, okay. Yes, so Bitcoin, Ethereum, such popular Bitcoin popular cryptocurrencies use blockchain technology in order to protect the data. But now there are certain problems with these cryptocurrencies. What are these problems? Let us understand. First is the hidden nature. What is this hidden nature? Ye hidden nature kya batana chahta hai apne ko? See, whenever, okay, A sends money to B, okay, fine, no problem. Okay, now, what is the nature? Sirf itna record hota hai ki kisne paisa bheja, kitna paisa bheja, right? But we cannot find out the nature of the transaction, whether it is for illegal activities, whether it is terror funding, okay, whether you are protecting the black money. This is a major concern why Indian government wants to reconsider and is still thinking on how to make cryptocurrency work in India. Okay, so hidden nature is one main important problem with cryptocurrency. Then payments are not irreversible. Payments are not irreversible, provided, okay, yes, there are certain procedures. In the same procedures being followed, payments can be reversed also. And they are not rooted in any material goods. Kisi bhi material goods se related nahi hai. Jaise ki, for example, jaise bitcoins, okay, yes, बिटकॉइंस कितने बिटकॉइंस जनरेट होंगे इट डिपेंड्स ऑन देयर मार्केट प्राइस. भले उसमें कुछ मटेरियल सब्सटेंस हो या नहीं हो, भले उस बिटकॉइन के लिए सपोर्टिंग कोई ट्रांजैक्शन हो या नहीं हो, दीज आर द मेजर प्रॉब्लम्स विद क्रिप्टो करेंसीज. ओके यस देन देयर वाज अ लॉट ऑफ स्पेकुलेशन. लॉट ऑफ पीपल इन्वेस्टेड इन दीज क्रिप्टो करेंसीज इन इंडियन मार्केट ऑल्सो. ओके यस बट these investors came out. Okay, major concern in investors ke liye tab hua jab Indian government decide kiya, okay, that they are going to come up with a bill. Okay, a bill will be tabled in the winter session of parliament. Okay, the bill named Cryptocurrency and Regulation of Official Digital Currency Bill 2021. There was a lot of speculation regarding this bill. Kai logon ko lag raha tha ki cryptocurrency is going to be banned in India. Isliye, you know, investors us fear se, there was a panic selling of cryptocurrencies. Uski wajah se kai guna, you know, us din cryptocurrency ka market bahut zoron se gira bhi. Okay, yes, so this is all about the bill which Indian government tends to come up. Now, let's understand what is the take of Indian government regarding this cryptocurrency. Okay, Indian government says that it wants to create a bill to create a facilitative framework for the creation of official digital currency to be issued by RBI. Okay, yes, so RBI ko bhi jo issue karna hai, uske liye, okay, it wants to create a facilitative framework jahan pe jo hidden nature of transaction, jo problems of cryptocurrencies hai, unke saath wo achhe se deal kar paaye. Okay, now let us understand what is the market impact of government banning, of the speculations, okay, of this bill and government banning crypto in India. Now, the value of several digital currencies has reportedly dropped following the announcements of the bill. Bitcoin fell by more than 13% on Indian exchange site WazirX, while Shiba Inu and Dogecoin both dropped by 15%. The global impact was relatively small. Even China banning cryptocurrency, okay, that was really a big deal. But even that announcement could not affect the cryptocurrency market in a lot way.
okay, the RBI, country's central bank, is rather conservative, okay, about cryptocurrency. In March 2020, India's Supreme Court reversed the decision of banning digital currency trading ban, which has been imposed by RBI 2 years earlier. It was reversed by India's Supreme Court. And last week, RBI Governor Shaktikanta Das said the bank had serious concerns from the point of view of macroeconomic and financial stability, and that blockchain technology can thrive without cryptocurrencies. Okay? Yes, however, several reports recently claimed that government may allow trading and investing in cryptocurrencies, but with certain restrictions. The government says cryptocurrencies exist on the blockchain. It has no single entity controlling it. Jaise ki humne dekha, it is diversified. The decentralized nature of blockchain separates it from digital currencies that might be under the control of single entity. Governments can ban trading in cryptocurrencies and also can ban using them for payment purposes. This is the take of Indian government on trading and using of cryptocurrency as a digital currency mode of payment. Okay, yes. Now there are certain cryptos, like for example Bitcoin, Ethereum, then you have Solana, you have India's Polygon also. Okay, these are very much transparent and all the data is available because these are public cryptos. But however, there are private cryptos also issued, which is a really a concern for the economies and the governments to be considered. This is all about bitcoins and cryptocurrencies. Let's keep our fingers crossed and let's see what government finalizes in the winter session of the parliament. Okay, see you all very soon and stay tuned, and also press the bell icon for such interesting and newer videos. And dekhte hai government aage kya karne wala hai is particular cryptocurrency ke saath. Okay, till then take care, bye bye, and stay tuned till the next video.